हाँ नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल उपेंद्र ऑफिशियल में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विक्स के ऊपर। अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, किसी क्लाइंट ने आपको विक्स का क्रेडेंशियल दे रखा है और आपको उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। वैसे तो विक्स बहुत ही आसान है क्योंकि वो अपना सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है, टूल्स जैसे कि आपको वर्डप्रेस होता है उसी तरीके से। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मान लो किसी भी पेज का आपको अगर करना है तो सिंपल सा आप डैशबोर्ड पे आओगे, पेजेस नज़र आएंगे आपको। ये पेज का टाइटल है, ये पेज का एस वाला डिस्क्रिप्शन है। तो सिंपल आप पे क्लिक करना है, कुछ भी हटाना है और कुछ करना है यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, एस वी गाइडलाइंस के हिसाब से लिखिए 70 करेक्टर ये बता रहा है। तो आप पे लिखिए है ना, क्या है ये है ऑनलाइन स्टोर फॉर विमेन एंड मैन फॉर ज्वेलरी। एक बार ज्वेलरी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, गलत है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से हमने फिर पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने पे होगा, हम विजिट करेंगे साइट को, गूगल पे वैसे ही दिखेगी जो हमने डाला था। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ऐसे आप किसी भी कैटेगरी को, किसी भी पेज को आप यहाँ पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो। अब ज्वेलरी वाले पे हूँ मैं, तो ज्वेलरी वाले पेज को मैं चेंजेस कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ से क्या होगा ये सब नहीं। ठीक, बाय ऑनलाइन मूवमेंट मेरे मेन कीवर्ड लग रहा है तो उसको मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट आइटम मैंने बढ़ा दिया। तो आज मैंने आपको दो चीज़ सिखा दी, प्रोडक्ट पे आप कैसे ऑप्टिमाइज करोगे एस ई ओ मेटा टैग्स और पेज पे। अब मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आपको अगर उसका एनालिटिक्स वगैरह में मस्ट लगाना है वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए वापस हम डैशबोर्ड में जाते हैं, उसके लिए टूल्स वाले सेक्शन में आना है, एस ई ओ टूल्स में, वहाँ से हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए रोबोट डॉट टी एक्स टी है ना, ये हमने बना दी थी तो व्यू कर सकते हो। सॉरी, रोबोट डॉट टी एक्स टी दिखाई नहीं। ठीक है, यहाँ बनेगा आपका अलाउ डिसअलाउ, आप यहाँ पे करोगे, ये एडिटर था जहाँ पे हमने बनाया था, तो आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि हमने कहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम कोई भी चेंज करके सेव कर लेंगे, हो जाएगा। दोबारा से मैं आता हूँ, अब जो बताने वाली बात है ये गूगल साइट वेरिफिकेशन।
और अब दोस्तों मुझे इसमें क्या करना है कि गूगल का सर्च कंसोल का कोड लगाना है। देखिए साइड में यह कोड आ रहा है ऑप्शन, मैं इस पे जाऊंगा और जहां मैंने इसको रजिस्टर कर रखा होगा मैं उस पे जाऊंगा। ठीक है, मैंने इसको रजिस्टर किया हुआ था यहाँ पे, ये रहा हमारा ये बाय स्टोर।